नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज हम बात करने वाले हैं, हमारे साथ उपस्थित हैं एक बहुत खास मेहमान शिमला गोलड़ा जी, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उनकी जर्नी कैसी रही, वो राम नारायण राम से क्यों जुड़ी, आखिरकार क्या रीज़न था, उनसे ये सब जानने वाले हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे साथ उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और साथ ही साथ उपस्थित हैं शिमला गोलड़ा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं, उनकी जर्नी को जानते हैं। नमस्कार मैम, आपको बहुत स्वागत। नमस्कार जी, राम नारायण राम। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैम, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप, जैसे कि आपकी जर्नी इसमें कैसे शुरू हुई, क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि राम नारायण राम जो है, इसको आपको क्या अच्छा लगा, इसके बारे में क्या पसंद क्या आया जी? पसंद आया जो, मतलब मैं मेरी बता दो पहले आपको कि मैं जहाँ कहाँ रहने वाली। हाँ बिल्कुल, चलिए पहले मैं आपसे ये जान लेती हूँ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ क्या कुछ आप करते थे, आप प्लीज़ बोल। देखो, राजस्थान में नेउटा गांव है जी, जिला जयपुर जी, सांगानेर तहसील लगती है जी। राजस्थान की रहने वाली हूँ मैं, और मतलब मैं गाय भैंस पशु पक्षी का काम करती हूँ, खेती बाड़ी पहले भी करती थी, अभी भी यही चल रहा है। तो जब नरेश जी अंकल और ऋषि जी भाई साहब, ऋषि के सोनी जी, तो वो सत्संग करते थे गांव गांव में जाके, हर संडे को हर रविवार को सत्संग करते थे। तो मैं, मेरी इच्छा यह है कि मैं मेरी लैंग्वेज में मारवाड़ी ये चर्चा करना चाहती हूँ। अगर अंकल जी, नरेश जी अंकल की इजाज़त हो, दादा की इजाज़त हो, आपकी इजाज़त हो, तो मैं मारवाड़ी में ये चर्चा करना चाहती हूँ। मैं अपना मातृभाषा से बोलूँ तो मैं गांव गाय भैंस की देखभाल करी थी, खेती बाड़ी करी थी, और मैं सत्संग में जावा लागी जब नरेश जी अंकल और ऋषि जी भाई साहब, ऋषि जी सोनी जी, वे सत्संग करे थे हर संडे, हर दीवार गांव, आज भी घर में, आज भी गांव में, हर संडे को जाओ था, तो हर संडे जाओ था। तो मैं और औरतें भी जाओ, जेंट्स भी जाओ, तो मैं सुनाई पड़ी भाई ये सत्संग ऐसे नहीं, तो फिर मारो भी मन करियो भाई सत्संग में। पहली में कोई इंटरेस्ट कौन सू जाने कौन सी कहीं, तो फिर मैं भी जावा लगी। तो फिर जाता 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 मन कुछ सबा लगे, तो फिर काम काज ने सब ने जल्दी बाजी कर करार भाई अपन चाड़ो जा, आज संडे जा, आज बन सत्संग ग्रुप बनेड़ा जा, एक ग्रुप बना मिला जा, तो मत व्हाट्सअप डाल दी जा, हो ना मैं फोन में व्हाट्सअप आ जाऊँ, तो भाई आज बन सत्संग से। तो पहली सुई मतलब शनिवार का दनी कुछ ये जी भाई, काल संडे से और सत्संग कर ला बी के गाँव में रहा कला, तो आप चाला जी। तो मैं काम काज जल्दीबाजी कर कर आ रहा, सत्संग को टाइम है जो जी सू पहली 2 बजे को, 2 से 4 बजे तक सत्संग रह जो, तो 2 से 4 बजे के मतलब 2 बजे से पहली जा रहा मैं काम काज ने फ्री कर, मैं जा बैठ जाऊँ। अब मैं इंतजार करूँ करे जी, धीरे धीरे जान वाला, जान पहचाने वाला गी, सत्संग सुन वाला गी। अब सत्संग सुन वाला गी तो यहाँ का कोई संस्था का कोई परिवार का कोई भी छे जो जो सत्संग कर रहा हो जा, बिगर पर राम नारायण राम लिखवा दे जा। अच्छा, और बिजली का खंभा पर जगह जगह जैसे जो आप कह रहे हैं, मैं एक बार थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देती हूँ, जो ऑडियंस को थोड़ा सा समझने में परेशानी हो रही हो सकती है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है। जैसे कि आपने कहा कि पहले आप सत्संग जाने लगे और पहले आप इंटरेस्टेड नहीं थे, आपको अच्छा नहीं लगता था सत्संग जाना, फिर आपको सत्संग जाना आपने शुरू किया, फिर आपको बहुत अच्छा लगने लगा, और संडे को सत्संग हुआ करता था तो उसको लेकर के पहले तो इतना कुछ नहीं था, लेकिन फिर खुशी आपको होने लगी कि कल संडे है, तो बड़ी खुशी आपको होने लगी, और फिर आपने सत्संग में जाना शुरू किया और उसके लिए घर के सारे काम काज निपटा दिए पहले ही समय पहले। शनिवार को दनी खुशिया जाओ जी सत्संग, संडे के दिन सत्संग जाना है जी। आगे आप बताइए। तो फिर बस सत्संग खम्भा पर, बिजली का खम्भा पर जो सत्संग कर रहा हो, जब घर पर राम नारायण राम लिखे हो, अब मैं बिल्कुल अनपढ़ जी, कोई कुछ कोई कौन जाने, राम को नाम भी कौन जाने, भाई कहीं राम को नाम,
और घर में काम काज करबो करे छी, घर काम पर गुस्सो करबो करे छी, गुस्सो कर ली तो कोई पर गुस्सो कर ली तो पूरे दिन गुस्सो करे रहे छी, और मतलब लड़ाई झगड़ो कर ली तो लड़ाई झगड़ो कर ली, कोई मतलब कौन कोई ध्यान कौन, मतलब मारा जीवा को मन पत्तो कौन भाई आप क्या जी रहा था, वो भी पत्तो कौन आप भाई क्या जी रहा था। फिर मैं बच्चन घर अपने घर बेटा बेटन मैं बोली भाई सत्संग कर जाए जे वो घर पर लेकर कहीं जाए जे कहीं लिखेड़ो जे बताओ। अब कैसे भाई मम्मी राम नारायण राम लिखेड़ो जे, राम नारायण राम लिखेड़ो जे, तो इच्छा है कि जी सत्संग में जाओ जी, तो राम नारायण नरेश जी अंकल से तो ये हर संडे जाओ जा, तो ये हाँ के हाथ में बुक रह किताब रह जी, जद जाओ जा जद किताब हाथ में रह, तो मारा दिल में ये होती भाई किताब में शुच है कहीं जो हर बार जद आओ जाती ना हाथ में रखा जी गाड़ी में को और किताब गाड़ी में रहती, तो मन मैं फुल फुल कोशिश घर में काम करती जो भी रोटी खानो कहीं भी मैं बनाती, तो वो रोटी खानो ध्यान मार लो ई चीज में रहते अग भाई एक दो दिन जान भाई कोशिश करा भाई आम तो बहुत सारो जे जब राम नारायण राम में अपन अति खुशी मिल रही जे, तो इम तो और भी बहुत ज़्यादा बहुत सारो, तो मैं बच्चन के भाई मन फुटबॉल लिखाओ सिखाओ मम्मी सिखा देना, लेकिन बच्चन थे जाना जब खुद ने टाइम को नहीं मिले फुटबॉल लिखवा, फिर मैं खुद साल बताओ तो फिर कहीं करूँ मम्मी थे लिख दीवार पर लिखे जो फिर कॉपी में लिखे जो मैं कॉपी भर दे लिख लीकर कॉपी पर कॉपी पर पण जिया चुम्बक ने राम नारायण राम जिया लोयन मतलब लोयन चुम्बक पकड़े छन जिया अनवण राम नारायण राम चुम्बक पकड़े जिया मैं पकड़ ली मतलब लिख वो जस्ट जल्दी आ अब मन बिन जल्दी लिख अब मैं फिर मार मन में इच्छा ही अब भाई आप और भी पढ़ लिख वो सीखी भाई राम नारायण राम तो लिख देना बोल भी लेना जान भी गा वो लिख लो, लेकिन और ये किताब में बुक में काई चीज है नरेश जी अगर लेर फर अच्छे तो इन कुछ काई तो छाई जदि लेर फर अच्छे तो इन और आप पढ़ा ला जदि आप पता पढ़ ला, तो फिर मैं और पढ़वा कोशिश करी, फिर मैं खुद ही लिखवा की कोशिश करी थोड़ा थोड़ा भाई कह का की हो जो बच्चन में पूछ ली अबा का ही समझ जो पूरा कक्को आगो तो फिर पढ़वा हो। अब आज मैं पढ़वा के बारे में इस टीम चूँ कि मैं फुल हिंदी लिख बोर पढ़ और अंग्रेजी का मतलब कोई कोई अंग्रेजी का पढ़ लेती हैं और लिख पढ़ लेती हैं जो आप पहले लिख पढ़ नहीं पाती थी। वाकई में आपकी इस जर्नी को सलाम है, आपको वाकई में सलाम है, धन्यवाद। जो पावर मतलब पावर इतो मिले जिस जी के बाद में अतो पावर मिले जे अति खुशी मिले जे मन कोई से कोई मतलब कोई काई कर रही जो कोई मन मारो बस राम नारायण राम काम और कर रही जू गाय भैंस को दूध चारो फूस खानो वाणो लेकिन जा पियो चलते रहे जा 24 घंटा मन खुद ने कोशिश पहले पहले करना पड़े जो जब मैं पूरी मुरी पूरी जान लगा दी थी पहली तो मतलब पहली पहली थोड़ी थोड़ी कोशिश करना पड़े फिर ऑटोमेटिक खुद काम काम कर दे रहा हूँ मारना दिल में आते रहे जो। और आज इस स्थिति पर छूँ कि पहली दंची पहली मार और मारा परिवार को दंचो आज पहली रात ही रात दंची इसको थोड़ा सा हिंदी में बता दें भाई पहले अंधकार को बोलते ना अंधकार पहले अंधकार था मेरे मेरे और मेरे परिवार के जीवन में जी। कुछ समझ में नहीं आता था क्या करें अंधकार में तो मतलब अंधेरे में तो पता कहाँ से लेगा कहाँ जाना क्या करना और आज प्रकाश में हर पूरा परिवार खुश है और मैं बहुत खुश हूँ और हर चीज़ की खुशी कोई कमी नहीं है और धन दौलत की तो देखो उनसे तो कोई वो ही नहीं है वो तो है तो भी मेरे वो तो आपसे बात है हाँ आपसे बात है वो तो लेकिन इतनी खुशी है पूरे परिवार में मेरा पूरा परिवार राम नारायण राम का जाप करते रहते हैं बहुत खुश है मैं भी बहुत करती रहती हूँ और बहुत खुशी मिलती है तो मतलब राम नारायण राम से पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि आप सत्संग से जुड़े सत्संग में आप जाने लगे और अभी आप क्या कुछ कर रहे हैं आप थोड़ा सा इसको भी हमें बताइए क्योंकि आपकी जर्नी हमने शुरू की समझी कि आपने शुरुआत में बिल्कुल सत्संग पसंद नहीं था फिर सत्संग बहुत पसंद आने लगा और इंतज़ार आप करने लगे तो अभी ये राम नारायण राम का जो जाप है इसके प्रचार प्रसार के लिए आप कुछ कर रहे हैं क्या कुछ कर रहे हैं। देखो प्रचार अभी भी प्रचार चालू लेकिन आपको थोड़ा पहले की बात बता दूं कि फिर यहाँ सत्संग होता था सत्संग में जाती थी फिर नरेश जी अंकल
150-200 जेंट्स और लेडीज। अच्छा। कोलकाता लेर गया। ठीक है। अब कोलकाता लेर गया तो आगे शंकर दादा इंतजार कर रहा, अब भाई 150-200 लोग तैयारी में स्वागत के लिए इंतजार कर रहे। अच्छा। अब पहुँच गया राम नारायण राम, सब खुशिया। अब सब कुछ बोले भाई गंगा सागर जो गंगा सागर में ना लिया दो लिया व्यवस्था, कमरों कपड़ा वपड़ा खाना वाना की दादा व्यवस्था करवा दिया शंकर दादा। अब चार पाँच दिन रुकिया तो दो लोफर बस कर दिया दादा। अब सुबह ना बो दो वो नाश्ता खाना आनो में सब गया यात्री जो सब खाना वानो खाबो और फिर चलो हो जाओ तैयार हो नाश्ता आस्ता कर सरसंग लिए गाँव जहाँ अंड चालो जो आवने माँ का राजस्थान में चालो जो बिहानवाणी सरसंग प्रचार चालो सरसंग करता 2 घंटा और कोई प्रचार चाह भी राम नारायण राम को बाराम बहुत सारा लिखेड़ा चाहिए भी देता भाई कोई जान भाई कोशिश करेला तो फिर सत्संग करता और प्रचार करता और 4-5 दिन बंडर रुक गया। फिर भी के बाद में मैं खुद में हमारा इस तरह जो नरेश जी अंकल कन रचे मतलब है प्रचार जो भी तरीको प्रचार करवा को राम नारायण राम को जो भी तरीको तो मैं आकर भी मैं ले लीजू और भाई वो प्रचार इन वो देनो से इस वो करनो से और अपने उटम सत्संग है से आश्रम जो नेवटा राम संजीवनी सेवा संस्था नेवटा जामुनों का बाग। अच्छा। पंडित सरसंग है प्रवचन भी है मावस्या को हवन भी है हर मावस्या हवन हवन है लोग बागड़ोस पड़ोस का आओ मैसेज डाल दें गुरु में मैं डालू ज्यादा मारो ही काम से। अच्छा। तो मैं मैसेज डाल देते अब लोग बाग आ जाए अवधि दे जो आओ जो घी तेल गुड़ तल सब ले रहा है जे आओ दी दे अब आओ हवन को कहीं मतलब ही हो भाई हवन खुद को शुद्ध जीवन शुद्ध रे जे अवधि को तो ही मतलब ही तो मावस्या को हवन है जे अब मारी या चेक जो राम नारायण राम का प्रचार भी कर रही हूँ जितनी मार कोशिश है जितनी कर रही हूँ और तन सम्यक है वो और घर को काम संभाल वो और बार पिछले महीना सावन पूरा सावन मतलब प्रोग्राम चलिया बंड राम नारायण राम का भजन कीर्तन। अच्छा। शिव जी जजा की पूजा वूजा तो ये चलिया तो रोज मैं 1 महीना तक रोज गई बंड। अच्छा। ज़्यादा दूर कौन थोड़ी दूर तो पास में 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तो बंडे मैं रोज ना गई संभालना पड़े एक जिम्मेदारी है पहली जिम्मेदारी घर की रह से लेकिन घर सू भी ज्यादा बंडा की चिंता रही मैं घर का लड़ो कहीं भी करो अब लड़बो झगड़बो तो छह कौन भाई कुछ से तो मैं अब मारी बहन ने घर का ने और ने कोई ने मतलब समझा भाई कोशिश करो जो और बन भी मैं अभी समझाऊँ भाई मैं थान ध्यान से बहन ने तो घर में रह से पतो से घर का तो पतो से भाई स्कूल को मुंडो ही कौन देगी जाने कौन विद्यालय कोड़ी में कहीं तो इन पटबो की यहाँ को तो बेबी मतलब उन्होंने भी पढ़ाई नहीं की है स्कूल देखा नहीं आप ये कहना चाह रहे हो सिस्टर थे मतलब और पड़ोस पर बहुत थे जो औरत अनपढ़ छ हाँ 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 बिल्कुल हाँ तो वे खुद भी बन में सौखे हूँ तो बस ये राम नारायण राम का जाप में अतो पावर से अति शक्ति से अतो विवेक चाले से आगे ऑटोमेटिक कोई भी अपन बोलबो कोई भी काम करबो कुछ ही कोई मतलब कौन झंझट हो ऑटोमेटिक चलते रहे ऑटोमेटिक खुशी मिलती रहती जी। अच्छा मुझे ये बताइए जैसे कि जब आप राम नारायण राम से जुड़े होंगे सत्संग जाना आपने शुरुआत किया होगा जी। तो बहुत से घर परिवार वाले भी अगेंस्ट में होते हैं कि क्या करोगी जाकर के क्यों करना है सत्संग सत्संग के लिए बहुत से लोगों की मानसिकता भी ऐसी होती है कि क्या करना है समय आप बर्बाद कर रहे हो वहाँ पर जाकर के तो आपके घर वालों का कैसा सपोर्ट था या घर पे कोई चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े कि नहीं आप नहीं जाओगे। देखो मैं पहली जब मन ही कौन जो भाई कोई चीज़ मैं ही कौन समझे थी तो घर का और समझ ला तो घर का पहली करे चा थोड़ा अग भाई कहीं चेर मत जा भाई मन तो घर पता कौन चो अनपढ़ थी बिल्कुल पहली भी पता कौन चो 2011-12 के बाद में जो राम नारायण राम सू नरेश जी अंकल सू ऋषि जी के दादा सू ऋषि जी भाई साहब से जुड़ी भी के बाद में मन पतो चलियो पहले मन खुद नहीं पतो कौन से भाई
राम कहीं से और कहीं से, तो फिर जुड़िया बाद में फिर घर का धीरे धीरे जावे लगे सत्संग में, सत्संग करे जा तो घर खा भी जावे जा ससुर जी सब जावे जा, तो फिर धीरे धीरे वह भी जावे लगे, फिर बन पहले पहले तो करवा लग गया, मतलब अपनो जन मन च संतुलन कौन रहे काम में रहे वो काम बिगड़ रहे वो काम करना से, फिर भी के बाद मैं लड़ा था घर का थोड़ा थोड़ा बहुत लड़ा था ज्यादा कौन लड़ा था, तो मैं काम ने बेगो बेगो कर करार, अब काम न रहा तो वह क्यों लड़ ला कौन लड़ा ज्यादा, अब मैं काम ने बेगो जल्दीबाजी से कर करार में चल जाओ अब वह भी जाओ था, अब वह धीरे धीरे बन भी इस चीज़ में खुशी मिलवा लगी, वहाँ को भी दिमाग काम करवा लगे, और तो फिर बेबी मतलब जा बे छोड़ दे दिया मन भाई तू जा अच्छा। और अंडा को भी संभाल रहा बंडे भी जा अच्छा। तो बे खुद ही लाग गया तो फिर मन कहीं दिख मन क्यों न टला बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे कि आपने अपने घर वालों को मनाया बड़ा कमेंडेबल रहा ही है, आपने बड़ा सही से उनको समझा भी दिया मान भी गए बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने अपनी बहनों का भी जिक्र किया था अभी, तो आपने उनको भी बताया होगा कि आप भी जुड़ो राम नारायण राम से, तो अब वो जुड़ रही हैं या क्या उनका क्या है? मैं थान यह बता रही हूँ पूरा परिवार आकर्षित है राम आश्रम से पूरा, जब कोई प्रोग्राम है जब जी जो भी आ जाए ला कोई काम कर बन दुकान से आपने अबार ऑफिस खोलिया जे अच्छा गैस एजेंसी को तो वो चे और गाड़ी से देखो मतलब सब काम से, लेकिन बिन पूरा विराम देर मतलब भी काम न आश्रम में कोई काम आ तो जीजू भी जाए से दीदी भी जाए अपने बच्चा भी जाए और आसपास में कोई गलत कौन से आज का जमाना कोई गलत कौन सब आप की जगह सब सही जे, तो पड़ोस में सब बेबी जाए आश्रम बॉयस जैसे लोग खूब जुड़ जाए कद बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच आपका यहाँ आने के लिए, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपकी जर्नी एक तो इतनी इंटरेस्टिंग रही है और आप खुद इतने कॉन्फिडेंट इतने प्यार के साथ में आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके बोलने से तो और लोग जुड़ते होंगे, महिलाएं शुरू ही हो जाती होंगी, बिल्कुल हम आपके साथ चल रहे हैं जी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इंग्लिश भी बोलता है? इंग्लिश भी बोलते हैं, इंग्लिश बोल कोई कोई सब बताए अच्छा बहुत बढ़िया आपकी जर्नी है, थैंक यू सो मच प्रेसिडेंट। राम 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 राम, धन्यवाद। तो दर्शकों इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही, आज के इस एपिसोड में हमने आपकी मुलाकात करवाई है शिमला गोलाड़ा जी से, जिनकी जर्नी आपने आप में बहुत कमाल की है, जहाँ पर उनको साक्षरता नहीं थी इतना पढ़ाई का नहीं था, लेकिन जैसे जैसे राम नारायण राम से जुड़ी हैं उस तरह से उनकी पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया है, पढ़ाई में उनका फोकस हो गया है, पढ़ाई करने लगी हैं और हिंदी इंग्लिश भी बोलने लगी हैं और साथ ही साथ में बहुत सारे लोगों को राम नारायण राम से जोड़ रही हैं और सबका जीवन सुधार रही हैं। इसी के साथ अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण राम शाह, यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है, यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है, आप लोग इन्हें अपना के देखिए मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है, इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इसने कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम गौशाला गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 2665050657, IFSC कोड ICIC000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, फोन नंबर 6291342066 9836073503, ईमेल आईडी संतान दल 1960@gmail.com।